1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. अभी तो बहुत सारे ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, पर मैं इन सबको जोड़कर टावर बना ही लूंगा। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से आगे 6. आइडिया, मैं इसे डराती हूँ। और ये रहा 6। तुमने मुझे डरा दिया, और देखो मेरा टावर भी टूट गया है। तुम्हें पता है मैं तो ये 1 मिनट में टावर बना सकती हूँ। बना कर दिखाओ। सिर्फ टावर थोड़ी ना बनाना है, काउंटिंग भी करो जिस तरह मैं करता हूँ। 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5। अब समझी, इसलिए तुम्हें इतना वक्त लग रहा था, तुम काउंटिंग सीख रहे हो। हाँ, टावर बनाते हुए रोज सीखता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अब हम दोनों मिलकर बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. जान बेटा, जरा आकर सेब ले जाओ, मैंने तुम्हारे और गुड़िया के लिए काटे हैं। जी अम्मी जान, मैं अभी आकर सेब लेता हूँ। मैं भी आती हूँ। ठीक है। वाओ, कितने मजे का सेब है ना, मैं तो रोज एक सेब खाता हूँ। अम्मी कहती हैं फल खाने से हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है। मेरी अम्मी जान भी यही कहती हैं। और हाँ, अगले हफ्ते हम इस वक्त कुछ नहीं खा सकेंगे। क्यों? तुम्हें नहीं पता क्या, रमजान का महीना आ रहा है। रमजान का महीना? तो फिर क्या होगा? तुम्हें नहीं पता, रमजान में रोजे रखे जाते हैं और सारा दिन कुछ नहीं खाते। हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है, पिछले साल भी ईद से पहले सब रोजे रख रहे थे। अब मुझे कुछ ठीक से याद नहीं, मैं मुराद भाई से पूछूंगा, मुझे कुछ क्यों याद नहीं है। मुझे इसलिए याद है क्योंकि आज ही अम्मी जान ने बताया है। ओह अच्छा, इसीलिए। और मैं तुम्हें एक और बात भी बताती हूँ। क्या? पता है इस साल मैं भी रोजा रखूंगी। तो तुम रोजा रखोगी जैसे सब बड़े रोजा रखते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे सब बड़े रोजा रखते हैं। हाँ मुझे याद आया, अम्मी जान ने कहा था जल्दी घर आना, अब मैं चलती हूँ। रमजान मुबारक, अल्लाह हाफिज़। तुम्हें भी रमजान मुबारक, खुदा हाफिज़। तो गुड़िया रमजान में रोजे रखने जा रही है, मैं क्यों नहीं रख सकता? मैं भी रोजे रखूंगा। तुम रोजा नहीं रख सकते। क्यों अम्मी जान? क्योंकि तुम अभी छोटे बच्चे हो और तुम पर रोजे फर्ज नहीं। लेकिन गुड़िया भी तो छोटी है ना, वो इस साल रोजे रखेगी, फिर मैं क्यों नहीं रोजे रख सकता? रोजा अल्लाह ताला के लिए रखा जाता है जान, इसलिए नहीं कि कोई दूसरा रोजा रख रहा है। तो ये बात है, ये तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। अच्छा अम्मी जान, आप मुझे रोजे के बारे में कुछ बातें बताएं ना। जाओ तुम दादी जान के पास जाकर पूछो, वो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा बातें बताएंगी। हाँ ठीक है, मैं अभी जाता हूँ दादी जान के पास।
रमजान बहुत बाबरकत महीना है जान। ओ अच्छा, लेकिन दादी जान ये बरकत क्या होती है? बरकत का मतलब है कि अल्लाह ताला इस महीने में हम सब पर बहुत मेहरबान होते हैं, और अल्लाह हम पर इसलिए मेहरबान होते हैं कि हम रोजे रखते हैं और इबादत करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें बहुत सा सवाब देते हैं। दादी जान, मैं भी सवाब लेना चाहता हूँ, मैं भी रोजा रखना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तुम भी रोजे रखना, सवाब कमाना, बस थोड़ा सा और बड़े हो जाओ। कितना बड़ा? बस चंद साल और, जैसे 2 साल। मतलब जब मैं 7 साल का हो जाऊंगा तब रोजा रख सकूंगा। लेकिन दादी जान, गुड़िया तो 7 साल की नहीं, लेकिन वो तो रोजा रखेगी। हाँ, ये तो अच्छी बात है अगर वो रोजा रखने की कोशिश करेगी। मगर तुम्हारी अम्मी ने अभी तुम्हें ये बताया कि हम रोजा अल्लाह ताला को खुश करने के लिए रखते हैं, इसलिए नहीं कि दूसरे रोजा रखे और हम उनका मुकाबला करें। तो फिर मैं दादी जान आधे दिन का रोजा रखूंगा। बिल्कुल, और अल्लाह ताला तुम्हें इसका भी सवाब देंगे। ठीक है दादी जान, मैं आधे दिन का रोजा रखूंगा। चलो ये ठीक है, मगर तुम्हें पता है ना कि रोजे में करते क्या हैं? जी दादी जान, मुझे पता है। हम सुबह फजर से पहले खाना खाते हैं, फिर सारा दिन कुछ नहीं खाते, और फिर मगरिब की अजान के वक्त रोजा खोल लेते हैं। जान, ये रोजे का एक हिस्सा है। असल में रोजे का मकसद ये है कि जब हम अल्लाह ताला के लिए खाना पीना छोड़ रहे हैं तो हम सारे बुरे काम भी छोड़ दें। सारे बुरे काम? जैसे? हाँ, जैसे किसी से झगड़ा करना, बड़ों की बात ना मानना, और वो सारे काम जिससे अल्लाह ताला नाराज होते हैं, वो सब छोड़ने होंगे रोजे में। ओ अच्छा, मुझे तो नहीं पता था, और मुझे गुड़िया ने भी नहीं बताया। ठीक है दादी जान, मैं अल्लाह ताला को खुश करने के लिए ये सब भी करूँगा, और मैं अच्छे वाला रोजा रखूँगा। ठीक है जान, जरूर। उस दिन मुझे दादी जान ने रमजान के बारे में बताया कि रमजान साल में एक ही बार आता है और उसमें बहुत बरकत होती है, और हम रमजान में खाना पीना ही नहीं छोड़ते बल्कि सारे बुरे काम भी छोड़ देते हैं, जैसे गुस्सा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, झगड़ा करना, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। मैंने अपना पहला रोजा कैसे रखा वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी इस बुक में बहुत से पेजेस बाकी हैं।